रहीम असल टेंथ क्लास कैसे हैं आप लोग होपफुली यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट एंड डेफिनेटली यू आर डूइंग योर टेस्ट यू आर प्रिपेयरिंग योर टेस्ट इन इन अ वेरी सीरियस वे यू शुड थिंक इट अ ब्लेसिंग फॉर यू पीपल दैट इन दिस पेंडेमिक इस पेंडेमिक में योर टीचर्स एंड योर स्कूल आर प्रोवाइडिंग यू द अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड एज़ वेल फर द प्रपरेशन ऑफ योर एग्ज़म्स सबसे पहले आज तो मैं आपको जो बताने आई हूँ वो है दे, आ, पिछले lectures की लेक्चर की ही कंटिन्यूटी है एंड दैट इज़ नरेशन्स नरेशन में हमने बहुत सी कैटेगरी की हैं आज की जो कैटेगरी है वो है एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में Uh, जो फीलिंग होती है दैट कैन बी सैडनेस और हैप्पीनेस और दूसरी ऑप्टेटिव फीलिंग uh, जो हम कहते हैं वो विश होती है और इसको वो मे से ज़ाहिर करते हैं एक्सक्लेमेशन में आपके कोई सडन फीलिंग ऑफ जॉय हो सकती है सॉरो हो सकती है वंडर हो सकती है और जो विश है जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं वो आपके जो है जो विश है ऑप्टेटिव सेंटेंस वो मुख्तलिफ जो वर्ड है वो उससे शो किए जाते हैं एंड दैट इज़ मे और जो मे है वो चेंज करते हुए हम माइट में चेंज कर देते हैं ये आपने जहन में रखना है जो मे वर्ड है उसको हम माइट में चेंज कर देंगे अब आपको ये याद है कि सेंटेंस के दो पार्ट होते कॉमर्स से बाहर और कॉमर्स से अंदर और जो कॉमा से बाहर पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का नाम देते हैं और जो कॉमर्स के अंदर वाला पार्ट होता है दैट इज़ कॉल कॉल द रिपोर्टेड स्पीच that is called reported speech reported speech अब अगर reporting speech में said to है report reporting speech में अगर said to है तो वो हम और अगर उसमें sentence में कोई sadness show हो, हो रही है तो हम कहते हैं exclaimed with sorrow अगर कोई ख़ुशी की बात है तो सेड टू विेंजड इन टू एक्सक्लेम्ड विद जॉय एंड इफ़ देर इज दरप्राइजिंग फीलिंग शॉक्ड फीलिंग है तो देन सेड टू विेंज्ड इन टू एक्सक्लेम्ड विद वे आपने यू हैव टू कंसिडर देंटेंस स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस के जो मीनिंग है वो आपको पता होने चाहिए कि उसमें वो क्या बताया गया है स्वर है जॉय है कि कुछ सरप्राइज़ की फीलिंग है फिर आपको दूसरी जो आपको बताई गई थी विश या अपटेटिव तो अपटेटिव इफ़ देर इज सम काइंड ऑफ प्रे फॉर शम वन किसी के लिए कोई ख़्वाहिश का इजहार किया गया है या दुआ दौा, दुआया अंदाज से कोई डिज़ायर है तो देन सेड टू विल बी चेंज इन टू प्रेड और विश्ड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर ये आपको पता होनी चाहिए दूसरी जो आपको इन्फॉर्मेशन आज मैंने रिवाइज करानी है वो है आपकी चेंज ऑफ प्रोनाउन चेंज ऑफ प्रोनाउन में आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि सेंटेंस के स्टार्ट में कॉमा से बाहर और कॉमास के अंदर दो जो पोर्शन है आपको ये ध्यान रखना पड़ता है सेंटेंस से बाहर जो सेंटेंस है वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है और सेंटेंस के अंदर कॉमास के अंदर भी एक प्रॉपर फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की अगर कॉमास के अंदर इफ़ देर इफ इन साइड द कॉमास इफ देयर इज द फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन आप आ, जो हम इसको फर्स्ट पर्सन है तो दैट विड बी चेंज्ड विद सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच जो कॉमा से बाहर सब्जेक्ट है उसके साथ चेंज हो जाएगा अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में आई मी माए और भी बहुत सारे होते हैं एंड इफ देर इज द सेकंड पर्सन इनसाइड द कॉमा सेकंड पर्सन वुड बी चेंज विद द ऑब्जेक्ट अब आपने ये चीजें और एंड इफ देर इज द थर्ड पर्सन इनसाइड द कॉमा दैट विल नॉट बी चेंज्ड ये Uh, यही सेम फीलिंग मैंने आपको इस सेकेंड पॉइंट में बताई है कि फर्स्ट पर्सन वुड बी चेंज विद दब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट दैट इज आउटसाइड द कॉमास इन्वर्टेड कॉमर्स एंड इफ देयर इज द सेकेंड पर्सन इन साइड द कॉमास एंड इफ द सेकेंड पर्सन इन साइड द कॉमास इज देयर तो सेकेंड पर्सन चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट जो कि इन्वर्टेड कामर्स से बाहर है एंड थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज ये होगी सेकेंड इंफॉर्मेशन आज के लेक्चर की थर्ड इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी है वो जरा ध्यान से देखिएगा के इफ देअ द यूज ऑफ वर्ज और वर्ड ऑफ इन साइड द कॉमर्स वो वाज और वर जो वाज और वर प्लस एजिटिव वाज और वर प्लस एजिटिव फिर से मैं आपको बता दूं कि इफ देर इज द यूज ऑफ वाज एंड वर और उसके साथ कोई ना कोई एजिटिव भी है कोई ना कोई एजिटिव भी है तो वो चेंज हो जाता है हैड बीन में यस yes, मैंने लिखा हुआ पे कि वाज एंड वर विल बी चेंज्ड इनटू हैड बीन लेकिन वाज और वर के साथ एजिटिव का होना लाजमी है पहले आपने वाज और वर आई एन जी के साथ देखे बट यहाँ पे जो तीसरी एक नई चीज आपको एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि वाज और वर्ड जो है दैट विल बी चेंज विद हेडबीन और लेट स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ द एक्सक्लेमेटरी कैटेगरी पढ़ते हैं इसको कि इन सेंटेंस एक्सप्रेसिंग सडन एंड स्ट्रोंग फीलिंग

इज़ एन इंटरजेक्शन दैट एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ जॉय जब आप बहुत खुश होते हैं तो हुर्रा हो हो डिफरेंट आपका जेस्टर्स uh, होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तो हेयर हुर्रा शोज द फीलिंग ऑफ जॉय हैप्पीनेस और वो उस जो हुर्रा है दैट विल बी चेंज विद द एक्सक्म्ड विद जॉय सो ही फिर जब हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखेंगे तो हम जो हुर्रा है हम उसको नहीं लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय और फिर कॉमास को इन साइड द कॉमास को आउटसाइड द कामास से मिलाने के लिए हमने दैट यूज़ किया और फर्स्ट पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन जो है वो हमने चेंज किया वो चेंज किया हमने सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस से हुर्रा हम नहीं यूज करेंगे सो so, हुर्रा की जगह हम यूज हुर्रा एंड सेड बोथ विल बी एक्सचेंज विद द फ्रेज एक्सक्लेम्ड विद जॉय देन दैट विल बी यूज वी चेंज हो जाएगा ही के साथ और ये हो जाएगा दे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा जो हैव है दैट विल बी चेंज विद हैड वी वुड बी चेंज विद ही इज अ थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन चेंज यहां पे ये आ गया ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच बी क्वेश्चन सेंटेंस है ही सेड अलास आई एम रूइंग साइन ऑफ सैडनेस ठीक है जी तो ये सैडनेस है सोरो है तो सैड और अलास बोथ विल बी चेंज्ड इन टू एक्सक्लेम्ड विद सोरोक्सक्लेम्ड विद सोरो आई एम अब देखिये मैंने आपके आपसे कहा था कि जो uh, मैंने आपको उधर बताया था कि वाज और वर वाज और वर के साथ जो इज और आर और एम है वो भी जो एम वाज और वर जो है दैट विल बी चेंज्ड इनटू Had been, to alas sign of sorrow, or said and alas both will be changed with exclaimed with sorrow. फिर सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हमने दैट कंजंक्शन यूज किया यहाँ पे यह मिस्टेक है पे पर ही आएगा ही

जैसे हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग तो इसमें ये सॉल्व एग्जाम्पल में आपने ये देखा सेड और मे जो है जो जो सेड है इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि वो आगे क्या कहा है तो वो दुआ की गई है ही प्रेड सेंटेंस को मिलाने के लिए हमने दैट कंजंक्शन यूज किया ही प्रेड दैट अल्लाह मे विल इज चेंज इन टू माइट ही प्रेर दैट अल्लाह माइट हेल्प हिम टू डू हिज duty यहाँ देखें अपनों ने प्रोनाउन मी इज द फर्स्ट पर्सन मी the first person first person will be changed with the subject of the sentence and वो चूंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे ही का और इसी तरह यहाँ पर यह पोजिसिव प्रोनाउन है माई ड्यूटी है ना तो ये इसका जो माई है दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन तो पोजिस्टिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है ये माई इज द फर्स्ट पर्सन इट अगेन विल बी चेंजड विद द ही और यहाँ पर चूंकि ये पॉजिशिव है तो हम इसकी जगह पर भी पोजिस्िव लगाएंगे हिज ही का हिज ड्यूटी हो जाएगा अब ये तीनों एग्जाम्पल्स के साथ आ, नेक्स्ट हम ये द, 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 दीज वर द दोल्ड ठीक है दीज वर द दॉल्ड एक्सरसाइजेज अब हमने जो करना है दो सेंटेंसेस आर अनसॉल्व वन बाय वन हम करते हैं चेंज द फॉलोइंग इन टू द इन डायरेक्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ निरेशन पहला है शी सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग सेड टू और मे यहां पे है वो दुआ कर रही है दुआ में जो है वो अल्लाह से वो दुआ कर रही है तो इट विल बी चेंज प्रे तो प्रेर फॉर हर फादर सेड टू विल बी चेंज विद प्रेर फॉर हर फादर दैट लगाएंगे यहाँ पे दैट ही माइट मे विल बी चेंज विद माइट might may will be changed with might तो ये हो जाएगा he might live long he might live long you is the second person second person change hota hai object of the sentence है. father jo hai wo third person hai to hum isliye you ki jagah hum yahan par ही यूज करेंगे और जो माइट है वो जो मे है वो माइट में चेंज हो जाएगा सो so, ये हो जाएगा शी प्रेड फॉर हर फादर दैट ही माइट लिव लॉन्ग नेक्स्ट सेंटेंस शी शी सेड मे यू प्रॉस्पर ये बिल्कुल जैसे ऊपर वाला पैटर्न है वही पैटर्न है इसका भी शी सेड शी प्रेड दैट ही माइट प्रॉस्पर he he said he pray, prayed prayed she she that अच्छा अब ये देखें यहाँ पे दिस इज सेकेंड पर्सन सेकेंड पर्सन मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू कैन यूज एनी प्रोनाउन आप यहाँ पर आई भी यूज कर सकते हैं शी सेड शी प्रेड आ जाएगा शी प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर

prayed The mother prayed for her daughter The mother prayed for her daughter that sh that Allah might bless her with the son The mother prayed for her daughter

Wished या desired अच्छा अब उसमें क्या है कि वो ये कहता है कि कहती है कि शी प्रेड क्या क्या आएगा अभी मैंने क्या कहा है शी डिजायड शी विष्ट शी विस्ट दैट हार फादर अब देखें ये वर आ गया तो या वर जो होगा वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा यही मैंने आपको जो फर्स्ट स्लाइड समझाई थी वो यही थी अगर आपको याद हो तो शी विश्ड दैट हर फादर हैड बीन अफ शी विश्ड या शी डिज़ायर्ड दैट हार फादर हैड बीन अ लाइफ फिफ्थ सेंटेंस है द मदर सेट टू हर सन में यू रिटर्न सक्सेसफुल ये भी बहुत सा ईजी सा है यहाँ पे दुआ दी, म, मदर जो है वो दुआ दे रही हैं कि द मदर प्रेड फॉर हर सन ये ध्यान से देख लें कि अगर द ऑब्जेक्ट uh, है यहाँ पे तो फिर जो सेड टू है वो चेंज हो जाएगा प्रेड फॉर मे ठीक है द मदर प्रेड फॉर हर सन दैट ही माइट रिटर्न सक्सेसफुल मे जो चेंज हो गया माइट में मे चेंज हो गया माइट में तो सेंटेंस वुड बी द मदर प्रेड फॉर हर सन दैट ही माइट रिटर्न सक्सेसफुल आप जो ये देखें यू सेकेंड पर्सन है ये चेंज हो जाएगा सन के साथ तो सन थर्ड पर्सन है तो ये हम ही में चेंज कर लेंगे दैट ही माइट रिटर्न सक्सेसफुल नेक्स्ट सेंटेंस इज सिक्स सेंटेंस शी सेट वट ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट शी से वट अ ब्यूटिफुल अब ये वो सरप्राइज है तो ये यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद वंडर आ जाएगा क्या आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विदर दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट आएगा यहाँ पे टू जो कंजंक्शन है शी एक्सक्म्ड विदर दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट

कैन चेंज हो जाएगा कुड में जो कैन है दैट विड बी चेंज विद कुड सो हीसक्लेम्ड विद सारो दैट दे कु नॉट डिफीट देअर एनिमीज नेक्स्ट सेंटेंस है जी आपका नाइन्थ सेंटेंस शी सेट वट ए पिटी यू मिस दैट फंक्शन शी एक्सक्म्ड विद सारो she exclaimed with sorrow that I had missed that function. है जो है ना यहाँ पे ये नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आप जो यू सेकेंड पर्सन है उसकी जगह पर आप जो चेंज करना है वो आई इस्तेमाल कर सकते हैं आपसे बात कर रहा है तो मुखातब की वजह से हम इसको आई में ले जाएंगे आई के साथ चेंज कर देंगे शी एक्सक्म्ड विद sorrow that she exclaimed with sorrow that I had missed that function that I had missed that function तो यहाँ चूंकि past per past indefinite है तो past indefinite past perfect में change होता है आपको पता है कि मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि uh, she exclaimed with sorrow that I had missed that function लास्ट वन इज ही सेड हुर्रा आई है मैडल ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन द मेडल आई जो है दैट विल भी चेंज विद ही सेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन दै जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा सो ही एक्सक्लेम्ड विद joy that he had won the medal so this is the end of uh, today's lesson hopefully apne to exclamatory or an operative sentences hain, aapko uh, if there uh, some there is some confusion you can uh, replay the video and it will be much more easier for you to understand the remaining thing thank you very much